रणथंभौर टाइगर रिजर्व से इस समय बुरी खबर है। रणथंभौर में एक शावक का शव मिलने की सूचना मिल रही है। जोन 10 में शावक का शव मिलने की खबर है। बाघिन T99 का शावक होने की आशंका यहां पर जताई जा रही है। हालांकि वन विभाग की टीम मौके के लिए रवाना हुई है, कुछ देर में इसे लेकर आधिकारिक पुष्टि होगी। लेकिन जो खबर आ रही है वो बेहद दुखद और बुरी खबर, जहाँ शावक के शव मिलने की सूचना है। बाघिन T99 का शावक होने की आशंका जताई जा रही है कि ये शावक बाघिन T99 का हो सकता है। हालांकि अभी पुष्टि नहीं हुई है, आशंका जताई जा रही है। इंतजार जरूर है कि जब वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचे और इसके बाद इसे लेकर तस्दीक की जा सके। लेकिन फिलहाल ये बुरी खबर रणथंभौर टाइगर रिजर्व से। रणथंभौर में एक शावक का शव मिलने की सूचना है। जोन 10 में शावक का शव मिलने की सूचना है। और जैसे ही ये सूचना आई, वन विभाग की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है। बाघिन T99 का शावक होने की आशंका जताई जा रही है। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी की रिपोर्ट, सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में खान विभाग बढ़ा है नए रिकॉर्ड की तरफ। प्रदेश में पहली बार 153 लाइमस्टोन ब्लॉक्स की नीलामी होगी। 153 लाइमस्टोन ब्लॉक की नीलामी करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना है। हालांकि इससे पहले मध्य प्रदेश ने 151 ब्लॉक की नीलामी की थी और इन 53 ब्लॉक में अकेले नागौर जिले में 51 और चित्तौड़ व जैसलमेर में एक एक ब्लॉक की नीलामी यहाँ पर की गई थी। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल, बेहद अहम है जहां 153 लाइमस्टोन ब्लॉक्स की नीलामी होना और इस नीलामी के साथ ही एक नया रिकॉर्ड बनाएगा राजस्थान, कितना फायदेमंद होगा अगर ये नीलामी पूरी तरह से सफल रहती है तो? बिल्कुल श्वेता, देखिए देश में पहली बार ऐसा रिकॉर्ड बनने जा रहा है और उस रिकॉर्ड के लिए संयोग देखिए कि भजनलाल शर्मा जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनके नेतृत्व में रिकॉर्ड बनने जा रहा है, क्योंकि उनके पास ही खान महकमा भी, और जब से उन्होंने मुख्यमंत्री पद का पदभार संभाला उसके बाद से ही खान महकमे में एक साथ नए कई नवाचार देखने को मिल रहे हैं। पहले बहुत शानदार एक सफल अभियान चलाया गया जिसमें 17 दिन तक अवैध खनन माफिया के खिलाफ जमकर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई, और उसके बाद अब लगातार खान विभाग से किस तरह से राजस्व अर्जन किया जाए, खनन क्षेत्र से किस तरह से राजस्व अर्जन किया जाए उसकी तरफ उनकी निगाह है। सबसे पहले उन्होंने 131 जो क्वारी लाइसेंस है उसके लिए उन्होंने लाइसेंस की प्रक्रिया को जारी करवाया, उसके बाद 206 जो माइनर मिनरल के जो ब्लॉक्स थे उनकी नीलामी का प्रक्रिया शुरू करवाई, उसके बाद ERCC और RCC ठेके की। लेकिन अब जो जानकारी है नई उसमें यह है कि 53 लाइमस्टोन ब्लॉक्स की एक साथ नीलामी की जा रही है। ये अपने आप में भारत में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। इससे पहले मध्य प्रदेश के नाम 51 ब्लॉक की नीलामी का रिकॉर्ड था। ये जो ब्लॉक्स हैं 53 ब्लॉक्स, इसमें से 51 चित्तौड़ में है और जैसलमेर और नागौर जैसलमेर और चित्तौड़ में एक एक ब्लॉक है और नागौर में 51 ब्लॉक है। ये सभी इन ब्लॉक्स की जो नीलामी की प्रक्रिया है उसको शुरू किया जा रहा है। उसके जो टेंडर डॉक्यूमेंट्स जो श्वेता जो है उनको बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जो कि 19 फरवरी तक चलेगी और 11 मार्च तक बिड डॉक्यूमेंट जमा कराए जा सकते हैं और 26 मार्च से 13 जून तक चरणबद्ध तरीके से इन ब्लॉक्स की नीलामी होगी। और आप देखिए कि अगर ये ब्लॉक्स नीलाम करने में सफल रहते हैं तो निश्चित तौर पर 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के तौर पर प्रीमियम राज्य सरकार को अगले 50 सालों में। निर्मल, बस एक चीज और चाहेंगे कि आप स्पष्ट कर दें कि जो पहले स्थगित की गई थी 26 ब्लॉक की नीलामी उसे भी वापस शुरू करने की अनुमति मिली है, तो क्या इस 53 में 26 शामिल है ये या ये अलग से है? नहीं देखिए, अलग से है। ये जो 53 ब्लॉक्स बनाए ये अलग से ब्लॉक है और वो 26 ब्लॉक वो थे श्वेता जो कोड ऑफ कंडक्ट के चक्कर मतलब आचार संहिता के चलते जिनकी नीलामी स्थगित कर दी गई थी। उनमें से 15 ब्लॉक्स थे जो इनकी माइनिंग लिस्ट जारी होनी थी और 11 ब्लॉक्स ऐसे हैं जिनके की कंपोजिट लाइसेंस जो जारी की जानी थी। इस प्रक्रिया को भी साथ साथ शुरू कर दिया गया, यानी कि 26 ब्लॉक वो और 53 ब्लॉक की, यानी एक साथ इतने बड़े पैमाने पर खान विभाग में नीलामी ऑनलाइन नीलामी की प्रक्रिया आज तक नहीं हुई। और निश्चित तौर पर जैसे मैंने पहले कहा कि अगर ये नीलामी सफल रही तो 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व अगले 50 साल तक राज्य सरकार को मिलेगा, जो कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए, प्रदेश में रोजगार सृजन के लिए, खनिज उत्पादन में हमारी आत्मनिर्भरता। बिल्कुल निर्मल, यानी कि कह सकते हैं कि ये एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित करने के साथ, रिकॉर्ड बनाने के साथ साथ ही रेवेन्यू के लिहाज से बात करें तो एक बहुत बड़ा कामयाबी के तौर पर इसे देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए।